जैन दोस्तों स्वागत है चैनल पर सबसे बड़ी खबर के साथ एक बार फिर सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से तगड़ा झटका दिया गया है। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री मोदी के रैली से पहले आए सर्वे के नतीजे में ग्वालियर चंबल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने दबदबा दिखाया है। बताएंगे आपको दोस्तों क्या सिंधिया की राजनीति का होने जा रहा है अंत। बताएंगे आपको इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ को औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद पर आगे कर दिया है। बताएंगे उनके बयान से और भी क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई है। और बीजेपी में बागियों के विरोध के बाद भाजपा को 8 बागियों को भेजना पड़ा है नोटिस। बताएंगे किन किन नेताओं को नोटिस भेजा गया है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी ने उतारे अपने केंद्रीय मंत्री, सांसद और महासचिव, तो कांग्रेस पार्टी अब एग्रेसिव कैंपेन के साथ आगे बढ़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। साथ साथ कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन को लेकर अपने ही प्रदेश अध्यक्ष ने जेडीएस को तगड़ा झटका दिया है। बताएंगे कलेश खुलकर सामने आने लगा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्या कुछ कहा गया इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश में डंके की चोट पर परिवर्तन होने जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से सत्ता की डगर आसान नहीं है। पिछले चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने शिकस्त दी थी और इस बार ये शिकस्त और ज्यादा बड़ी होने जा रही है। ताजा बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले देश के बड़े न्यूज चैनल की ओर से कराए गए सर्वे में, यानी टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से किए गए सर्वे में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 102 से 110 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को मिनिमम अगर मिलेगा तो 118 सीटें मिलेगी और मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी 128 तक जा सकती है। यानी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी किसी भी केस में प्राप्त कर रही है। सरकार कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट तौर पर बन रही है दोस्तों। सर्वे 20 सितंबर 2023 को किया गया था। 16 जुलाई 2023 को किए गए सर्वे की बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त इजाफा इस नतीजे में मिल रहा है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल वो क्षेत्र है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं और उन्हें लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, तो यहां पर बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अब जमीनी हकीकत समझ में आने लगी है। आपको बता दें कि इस सर्वे के अंदर दावा किया गया है कि 66 सीटें जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आती है उसमें से बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी को लगभग डबल सीटें यानी 41 से 45 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी की स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। 34 सीटों में से मात्र 4 से 8 सीटें बीजेपी के खाते में, बाकी की 26 से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है दोस्तों। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इस क्षेत्र के अंदर बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे तो बीजेपी में उनका राजनीतिक भविष्य भी समाप्त हो जाएगा, ये कोई भी सफेद पन्ने पर लिख कर दे सकता है। और अब भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को विधानसभा का चुनाव लड़वाकर कहीं ना कहीं विधायकी में भी हरवाकर ये तय करवा देगी कि दूर दूर तक जो अपना दावा कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका नेतृत्व काम नहीं कर रहा, उनका अब वो प्रभाव नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पहुंचे मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए ओबीसी जनगणना की मांग की गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को 90 अफसर यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, किस तरीके का सोशल जस्टिस रहेगा। 3 अफसर ही इसमें ओबीसी समाज से आते हैं। हिंदुस्तान के पूरे बजट में मात्र 5% की भागीदारी ओबीसी अफसरों की है, जबकि ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान के अंदर 50% से ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि देश के सामने एक बड़ा मुद्दा है, जातीय जनगणना, ओबीसी कितने हैं, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। जब जातीय जनगणना का सवाल उठाता हूं तो बीजेपी के लोग कांपने लगते हैं, नरेंद्र मोदी भागने लगते हैं, अमित शाह हिंदू मुस्लिम करेंगे, कांग्रेस सरकार आने पर जातीय जनगणना का काम हम लोग करके दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी तरीके का वादा किया गया है। राहुल गांधी बोले, मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर तक हमारी भारत जोड़ो यात्रा चलती रही। लोगों ने मुझे बताया है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का एपी सेंटर बन गया है, यानी मेन सेंटर बन गया है। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसे की चोरी की है। हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में किसानों की कर्ज माफी के वादे किए थे। कमलनाथ जी ने कर्ज माफी किसानों की, लेकिन बीजेपी ने धोखा देकर यहां पर अपनी सरकार बना ली। उन्होंने व्यापम, मिड डे मील घोटाले जैसे बड़े घोटाले किए हैं। गांधी जी और गोडसे की विचार की ये सीधी लड़ाई है, देखते हैं इसमें से किस विचार के साथ जनता खड़ी रहती है। एक और कांग्रेस और दूसरी और आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया थाने पर लेते हुए बताया कि मीडिया का पूरा कंट्रोल उद्योगपतियों के हाथ में है, खासकर 2 उद्योगपतियों के हाथ में। और राहुल गांधी जब मीडिया पर निशाना साधेंगे दोस्तों, तो राहुल गांधी का वीडियो कॉमन सी बात है कि देश के तथाकथित नेशनल मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा, और इसीलिए सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी जोरदार कैंपेन चला रही है। साथ साथ राहुल गांधी ने ऑफिशियल तौर पर कहीं ना कहीं कमलनाथ को सीएम फेस बता दिया है। राहुल गांधी बोले, कमलनाथ जी जानते हैं कि एक राज्य को कैसे चलाया जाता है, उनके पास पूरी क्षमता है। राहुल गांधी के इन शब्दों से ये बात स्पष्ट हो गई है कि कमलनाथ को ही अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी देख रही है, और उनके 18 महीने की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो चीजें की गई है, जो जनता को फायदा पहुंचाया गया है, उसे भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन,
समिति ने शुक्रवार को कश्मीर में पार्टी के 8 बागियों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस पार्टी के अनुशासन बनाए रखने के लिए नुकसानदेह गतिविधियों में शामिल होने और पार्टी नेतृत्व में अविश्वास की भावना प्रकट करने को लेकर किया गया है। इस संबंध में पार्टी मुख्यालय ने जीएम मीर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, अल्ताफ ठाकुर, आसिफ मसूदी और आरिफ रजा, अनवर खान, मंजूर भट्ट और बिलाल पर्रे को नोटिस जारी किया है। प्राथमिकी से दस्तावेज जा सकती है। दरअसल इन लोगों पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने का आरोप लगाया गया है और बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया है। अगर एक सप्ताह के भीतर जवाब नहीं आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को काली पीपल में सभा को संबोधित करते दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ पूर्व शहर के कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव भी शामिल हुए। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटका में जेडीएस के अंदर जबरदस्त कलेश देखने को मिल रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद जहां पर एक और एक के बाद एक इस्तीफे सामने आ रहे हैं, तो अब जनता दल सेक्युलर के कर्नाटका के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से पहले परामर्श नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। बीजेपी के साथ गठबंधन को खारिज करते हुए इब्राहिम ने कहा कि चुना हुआ अध्यक्ष होने के बाद भी पार्टी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से पहले उनसे सलाह नहीं ली। उन्होंने कहा कि मैंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह एक निर्वाचित अध्यक्ष है और ऐसे में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वे दिल्ली में मिले इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन हो गया। दिल्ली में गठबंधन की बैठक के बाद जेडीएस के नेता के ए थिप्पेस्वामी ने उन्हें घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए फोन किया था। इब्राहिम ने कहा कि वह राज्य अध्यक्ष के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस अगले कदम पर फैसला करने के लिए 16 अक्टूबर को राज्य प्रमुख सीएम इब्राहिम की अध्यक्षता में एक बैठक करेगी। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद जेडीएस की बगावत देखने को मिल रही है। दोस्तों, सांसद प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे थे, जहां पर कहने लगे कि मोदी यानी सपनों को पूरा करने की गारंटी हमारा एक ही नेता है, कमल यानी प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ के अंदर बिना बीजेपी के किसी चेहरे के चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, हालांकि रमन सिंह बीजेपी के कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि रमन सिंह बीजेपी की स्ट्रेटजी में पूरी तरीके से नहीं आते हैं और अगर वो चौथी बार चुनाव जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने लगेंगे। शायद इसीलिए ऐसे नेताओं को कमजोर करने के लिए, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या फिर रमन सिंह हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इन सभी को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आए। इससे पहले ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी और अब उनका भाई खुले तौर पर तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। खासकर सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी के बढ़ते ग्राफ से बीआरएस पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, अपने सारे तीर धनुष चलाए जा रहे हैं। वहीं पर पंजाब में मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन शाम 4 बजे खत्म हो गया। किसान अब धीरे धीरे ट्रैक पर धरना खत्म कर रहे हैं। जल्दी सिक्योरिटी चेक के बाद ट्रेन को आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, यानी पहले पंजाब में फिर हरियाणा के अंदर प्रदर्शन हुए। किसानों के एक बड़े जत्थाबंदियों ने पंजाब के टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है, जिसे अब खाली कराया जा रहा है। अमृतसर में टोल प्लाजा स्टाफ और किसानों के बीच में झड़प होने के बाद पुलिस की ओर से दखल दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, लगातार किसानों की मांग एमएसपी को लेकर है। उनसे जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे उन्हें जल्द पूरा करने की मांग है। किसानों की और भी कुछ मांगे हैं। घग्गर नदी के किनारे टिवाना गाँव से लेकर बनने वाले अम्बाला चंडीगढ़ मार्ग तक बांध को पक्का किया जाए। किसानों ने कहा कि मुआवजा देने के लिए जमीन 5 एकड़ तक की शर्त को हटाकर कुल खराब हुई जमीन का मुआवजा दिया जाना चाहिए। बाढ़ के कारण प्रभावित हुए ट्यूबवेल, पानी के पाइपलाइन सरकार द्वारा डाली जानी चाहिए। बाढ़ के कारण प्रभावित हुई बिजली लाइन्स को ठीक करवाया जाना चाहिए और एमएसपी के साथ कई और मुद्दे भी उठाए गए हैं। 203 से अधिक ट्रेन इस पूरे आंदोलन के कारण प्रभावित हुई है दोस्तों, जिसे फिर से रिस्टोर करने की बातें की जा रही है। सरकार के साथ भी लगातार किसान नेताओं की बातचीत जारी है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस बार बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक एग्रेसिव कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी इस बार उस कहावत को चरितार्थ कर रही है जिसमें कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। कांग्रेस की कभी भी ऐसी रणनीति पहले देखने को नहीं मिली, लेकिन तरह तरह के प्रयोग होने के बाद अब राहुल गांधी एक और खतरा मोल लेने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रैली में उन्होंने कह दिया है कि उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना, बीजेपी के कमंडल और महिला आरक्षण के दांव से निपटने के लिए राहुल गांधी यह रणनीति अपना रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा करने वाले राहुल गांधी अब सड़कों से लेकर संसद तक जातीय जनगणना और महिला आरक्षण में पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी न्याय देने की मांग उठाते रहेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ ये 2 अलग अलग मोर्चे खोले गए हैं। साथ साथ दोस्तों, भंवर सिंह शेखावत जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने बीजेपी के मंत्री को बताया पीठ पीछे वार करने वाला। बीजेपी पर कई सारे आरोप भी लगाए गए हैं। साथ साथ दोस्तों, मुनुईम से हुई 14,98,000 रुपए की लूट का खुलासा। बीजेपी विधायक के पूर्व पीआरओ को 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ आगरा
एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को रात लकड़ी कारोबारी के मुनीम से हुई 14,98,000 रुपए की लूट को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुनीम के ममेरे भाई ने लूट की साजिश रची थी। उसने खुद पर्दे के पीछे रहकर कानपुर के रहने वाले 3 परिचित लुटेरों के जरिए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 10,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयोग की गई कार भी बरामद की गई है। साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 6 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी 8 रैलियां करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से चुनावी मोड में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं दोस्तों, और कह रहे हैं कि कमल ही हमारा नेता है, यानी बीजेपी की ओर से कोई नेता प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब इस तरीके की बार बार हर दिन कोई ना कोई रैली करते दिखाई देते हैं तो जल्द ही चुनाव का ऐलान हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जल्द 1-8 दिनों में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े हैं सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद।